नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टेंस का टॉपिक चल रहा था उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट 6 और उसमें हमारा रूल 15। अभी तक हमने ये 14 रूल्स कंप्लीट किए थे, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यानी रूल 15 के बारे में। जो हमारा 15वां नियम है वो है, जो भी आपको सेंटेंस दिया हुआ मिलता है उस सेंटेंस में आपको देखना है अगर एंड हो तो, आपको देखना है क्या उस सेंटेंस में एंड आया हुआ है। एंड हो तो अब रिक्त स्थान एंड के बाद में भी हो सकता है और एंड से पहले भी हो सकता है, यानी जहां पर भी रिक्त स्थान है दूसरी तरफ आपको एक मेन वर्ब दी हुई मिलेगी। तो जो मेन वर्ब है आपको देखना वो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड में है। तो जो भी आपको दूसरी तरफ वर्ब की जो फॉर्म दी गई होगी उसी फॉर्म को आपको वापस रिक्त स्थान में लिखना है। तो चलिए हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राम कुक फूड एंड गो टू मार्केट, तो यहां पर देखिए एंड आया हुआ है, यही हमारा रूल था कि कोई भी जो आपको वाक्य दिया गया उसमें एंड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए एंड आया हुआ है और एंड के बाद रिक्त स्थान है, तो हम देखेंगे कि एंड से पहले कोई वर्ब है, तो यहां पर देखिए ये रही कुक वर्ब है और ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तब आपको रिक्त स्थान में कुक्ड नहीं लिखना है बल्कि आपको फॉर्म कौन सी है, सेकंड। तो जो यहां पर ये गो दिया गया इस गो की आपको सेकंड फॉर्म भी इधर लिखनी है, तो कुक्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम इस गो की भी सेकंड फॉर्म लिख देंगे वेंट। समझ में आया, यानी रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, जो दूसरी तरफ वर्ब की कौन सी फॉर्म है उसी फॉर्म को रिक्त स्थान में लिखते हैं, एंड है और एंड से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम एंड के बाद में भी क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखेंगे। यही यहां पर है कि यदि वाक्य में एंड हो और एंड के पहले या बाद, एंड के पहले भी रिक्त स्थान हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, जो वर्ब की फॉर्म होगी और दूसरी तरफ जो आपको एक मेन वर्ब मिलेगी और उस मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी उसी फॉर्म को रिक्त स्थान में लिखा जाता है। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मदर ब्रोट एन एप्पल्स एंड गिव टू मी, यहां पर भी देखिए एंड आया हुआ है और रिक्त स्थान एंड के बाद है, तो हम देखेंगे कि एंड के पहले वर्ब कौन सी आई हुई है, ब्रॉट, वर्ब की ये भी सेकंड फॉर्म है। चलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम भी क्या कर देंगे, जो रिक्त स्थान है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। तो यहां पर वर्ब कौन सी दी गई है, गिव, तो हम इस गिव की सेकंड फॉर्म लिख देंगे गेव। तो चलिए ये ऐसा ना आकर के जैसे एंड से पहले भी रिक्त स्थान है दे सकता है और आपको दे देगा रिंग और इस तरफ रिक्त स्थान और इस तरफ आपको ये रिक्त स्थान नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, वही सेंटेंस है, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, मैंने रिक्त स्थान एंड से पहले बना दिया, मदर ब्रिंग एंड एप्पल्स एंड गेव टू मी, अब ये ऐसा सेंटेंस हो गया, तो इसमें भी एंड है और रिक्त स्थान एंड से पहले हो गया। चलिए तो आपको देखना है कि एंड के बाद में कौन सी वर्ब की फॉर्म है, तो गेव, चलिए यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम भी क्या कर देंगे, जो वर्ब आपको दी गई है उसकी सेकंड फॉर्म लिख दोगे। तो देखिए सेम वो ही वापस सेंटेंस बन रहा है। चलिए ये तो था हमारा रूल 15 और अगला देखते हैं रूल 16। यदि सेंटेंस में सिंस फोर, हमारा जो अगला नियम है वो है यदि वाक्य में सिंस फोर हो
जो भी आपको सेंटेंस दिया गया उसमें सिंस फॉर होना चाहिए और उसके साथ में वाक्य में पास्ट टेंस भी होना चाहिए। सिंस फॉर के साथ में अगर पास्ट टेंस दिया हुआ है तो आपको रिक्त स्थान में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हैड बीन, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। आई लिव इन दिस हाउस सिंस 2001। चलिए देखिए सिंस आया हुआ है, यही तो था सिंस या फोर। चलिए सिंस या फोर में से तो आ गया। अब ये कह रहा है कि उसके साथ साथ में वाक्य में पास्ट टेंस होना चाहिए 2001, ये भी पास्ट है यानी 2001 पास्ट टेंस है, ये भूतकाल समय है। तो चलिए जो हमारा नियम था उसी नियम का यहां पर सेंटेंस आया हुआ है, सिंस फॉर में से आया हुआ है सिंस, और उसके साथ साथ में पास्ट टेंस भी आया हुआ है। तो यदि सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम हो तो हम रिक्त स्थान में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए तो यहां पर हम लिख देंगे हैड बीन और उसमें के साथ जो वर्ब दी गई है उसमें आपको आईएनजी लगाना है, लिविंग, हैड बीन लिविंग, ये हमारे रिक्त स्थान में हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। राम राइट ए स्टोरी फॉर 2 hours यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए फोर आया हुआ है, इसमें सिंस था और इसमें फोर आ गया, तो यहाँ पर देखिए फोर है, फोर और उसके साथ में देखिए पास्ट टेंस। ये जरूरी नहीं है कि जैसे पास्ट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन पास्ट टेंस होना चाहिए। तो यस्टरडे ये भी पास्ट टेंस का सूचक है। सिंस फोर के साथ में पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसके रिक्त स्थान में हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी हो जाएगा हैड बीन और जो वर्ब दी गई है उसमें आपको लगाना है आईएनजी, हैड बीन राइटिंग। ये था हमारा रूल 16। तो चलिए अगला नियम देखते हैं। हमारा अगला नियम है जो भी आपको वाक्य दिया गया है उस सेंटेंस में टुमारो फॉलोविंग और या फिर नेक्स्ट प्लस टाइम यानी नेक्स्ट के साथ में कोई टाइम, जैसे संडे मंडे जनवरी फरवरी, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट सेकंड होना चाहिए हो तो रिक्त स्थान में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल मतलब विल या सेल और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं या का प्रयोग करते हैं। चलिए इस नियम के आधार पर हम एग्जाम्पल को देखते हैं। नियम क्या था, टुमारो फॉलोइंग या फिर नेक्स्ट प्लस टाइम होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आई गो टू स्कूल टुमारो। तो देखिए यहाँ पर टुमारो आया हुआ है, अगर कोई भी सेंटेंस जो दिया हुआ है उसमें टुमारो हो तो आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना है, फ्यूचर सिंपल, ये याद रखना है। तीन चीजें याद रखिए, टुमारो फॉलोइंग और नेक्स्ट प्लस टाइम हो तो फ्यूचर सिंपल। तो टुमारो आया हुआ है तो लिखेंगे हम फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल मतलब हेल्पिंग वर्ब, विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल का प्रयोग और सेल का प्रयोग कब करते हैं, आई और वी के साथ में सेल, आई और वी के साथ में सेल और अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं पहला जो हमारा सेंटेंस है उसमें आई आया हुआ है, तो आई के साथ में क्या लिख देंगे हम, सेल, आई से गो, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म है गो।
आई सेल गो टू स्कूल टूमारो। चलिए ये हमारा जो एग्जाम्पल फर्स्ट था ये कम्प्लीट हो गया। अगला देखते हैं, सी कम हियर ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। तो चलिए दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट प्लस टाइम फ्राइडे, नेक्स्ट प्लस टाइम आया हुआ है। नेक्स्ट प्लस टाइम हो तो भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल यानी विल सेल। तो यहाँ पर देखेंगे हम सी आया हुआ है, तो सी के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं और जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो कम से वापस हम लिख देंगे कम। तो ये था हमारा रूल 17। वापस एक बार देख लीजिए, यदि वाक्य में टुमारो फॉलोइंग नेक्स्ट प्लस टाइम हो तो रिक्त स्थान में फ्यूचर सिंपल यानी विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आई गो टू स्कूल टुमारो, टुमारो आया हुआ है तो इसलिए हम रिक्त स्थान में फ्यूचर सिंपल को लिखेंगे, तो हमने लिख दिया आई के साथ में सेल और गो। दूसरे सेंटेंस में देखिए जो सेकंड सेंटेंस है, सी विल कम हियर ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, तो इसमें विल कम हमने कैसे फिल अप किया, नेक्स्ट फ्राइडे हमें मिला, नेक्स्ट फ्राइडे हो तो हम फ्यूचर सिंपल को लिखते हैं, फ्यूचर सिंपल मतलब विल या सेल। तो सी आई और वी के अलावा हम विल का प्रयोग करते हैं, ना तो आई है और ना ही वी है, दोनों के अलावा है, तो इसलिए हमने सी के साथ में लिख दिया विल और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अगला रूल देखते हैं हम 18। यदि वाक्य में सिंस हो, यदि वाक्य में सिंस हो, केवल ये सिंस की बात हो रही है यहाँ पर, सिंस फोर की नहीं हो रही है, यदि वाक्य में सिंस हो तथा सिंस के बाद समय नहीं होना चाहिए, केवल सिंस मिलेगा और सिंस के बाद में आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, उस प्रकार के अगर आपको सेंटेंस मिलते हैं तो आपको सिंस से पहले, अगर मान लीजिए रिक्त स्थान सिंस से पहले दिया हुआ है, तब तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को लिखना है। लेकिन अगर आपको पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो लिखा हुआ मिलता है और आपको रिक्त स्थान सिंस के बाद दे देता है, तो सिंस के बाद पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। मदर स्लीप सिंस यू वेंट टू ऑफिस, देखिए सिंस आया हुआ है, चलिए सिंस बोल रहा है और सिंस आया हुआ है, अब हमें यह देखना है कि सिंस के बाद समय है या नहीं। तो देखिए सिंस के बाद में कोई टाइम में नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, कोई टाइम नहीं है तो अब हम देखेंगे कि रिक्त स्थान पहले है या बाद, तो सिंस से पहले रिक्त स्थान है, तो सिंस से पहले क्या लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, यानी या तो आपको हैज या हैव के साथ आपको बीन, और जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर आप बोल दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चीज आपको रिक्त स्थान में लिखनी है। और सिंस के बाद पास्ट सिंपल, तो देख लीजिए हमारा ये रहा सिंस और उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, पास्ट सिंपल वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है कौन से टेंस में होती है, पास्ट सिंपल में। तो चलिए हम इसको फिल अप करते हैं, मदर सिंगुलर नाम के साथ हम लिखते हैं हेज, साथ में लिख देंगे बीन, और जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये हो गया हैज बीन स्लीपिंग। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, शिवानी सिंग्स सॉन्ग सिंस सी टेक फूड, ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें देख आप देखोगे कि दोनों तरफ ही आपको रिक्त स्थान दिया हुआ मिला है, ये सिंस है, सिंस से पहले भी रिक्त स्थान है और बाद में भी है, तो आपको देखना है सिंस के बाद रिक्त स्थान के
अगल बगल में टाइम है या नहीं, आपको देखना है कि सिंस के बाद आपको टाइम दिया हुआ है या नहीं। तो सी टेक फूड, नहीं हमें कोई टाइम नहीं दिया गया है। अगर सिंस के बाद टाइम नहीं हो तो पहले तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज और सिंस के बाद पास्ट सिंपल को लिखेंगे। तो चलिए हम पहले ये फिलअप करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज शिवानी के साथ में हम लिख देंगे इज बीन और सिंग से हो जाएगा सिंगिंग। ये तो हमने सिंस से पहले लिख दिया, क्यों नियम क्या था, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हमने यहां पर फिलअप कर दिया। सिंस के बाद में क्या कह रहा है ये, हमें पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल सकारात्मक है तो हम केवल यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो टेक से हो जाएगा टू। ये थे हमारे उदाहरण और उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा।